बारिश बारिश किसी के लिए खुशियों का सबब होती है तो किसी के लिए आफत, लेकिन इस बारिश का मैचों में क्या महत्व होता है ये हम जानने का प्रयास करेंगे, और क्यों इस बारिश को भारत और न्यूजीलैंड के मैच से है प्रेम ये हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट विकास जी। विकास जी, जरा हमें बताइए, क्योंकि बारिश है, बारिश का बड़ा एक जुड़ाव रहा है मैच से और वर्ल्ड कप से तो विशेष तौर पे, तो क्या अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया न्यूजीलैंड का जो कल मैच हुआ था उसको लेकर बारिश पड़ी थी, तो उस पर क्या आपको लगता है, क्या लगाव है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बारिश का विशेष प्रेम है इंडिया न्यूजीलैंड के मैच से, क्योंकि इसी टूर्नामेंट में, इसी विश्व कप में जब लीग मैच चल रही थी तो इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ था जिसमें बारिश आ गई थी, उस मैच को बारिश न रुकने की वजह से रद्द कर दिया गया था और दोनों टीमों के बीच एक एक पॉइंट बांट दिया गया था। इसी दौरान इसी टूर्नामेंट में दोबारा एक संयोग बना जो इंडियन न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच बना, जो कि कल होना था, कल हुआ, वो मैच स्टार्ट हुआ, इंडिया ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी और न्यूजीलैंड को बहुत ही कम स्कोर पर, मात्र आप देख सकते हैं कि 46.1 ओवर न्यूजीलैंड खेल चुका है और मात्र 211 रन बनाया पाया है, आधी टीम न्यूजीलैंड की पवेलियन वापस लौट चुकी है, मात्र 23 गेंदें इस क्या कहते हैं उनकी इनिंग्स में बाकी हैं। अब देखना होगा वो इस 23 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं, अगर वो धुआंधार भी खेलते हैं यानी बहुत फास्ट भी खेलते हैं तो भी 250 का स्कोर पार नहीं कर पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं इस मैच में इंडिया की जीत मुट्ठी में है और इंडिया मंगलवार को ही जीत का लड्डू खा लेती यदि इस बारिश ने उसमें ब्रोड़ा ना डाला होता। ठीक है, कोई नहीं, आज मौसम का हाल पता किया है, आज मौसम वहाँ पे ठीक है, अभी तक उसको ऐसा कोई बारिश नहीं हुई है, कवर्स भी हट गए हैं मैदान पे से और आज मैच दोबारा पुनः उसी समय पे स्टार्ट होगा और इंडिया जहाँ तक संभव है जो एक्सपर्ट्स की राय मानी जा रही है कि 40-45 ओवर में इस मैच को जीत लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। देखिए विकास जी ने बहुत अच्छी चीज बताई इस मैच को लेकर कि अगर एक्सपर्टों की राय पे जाएं और जो आंकड़े देखे जाएं तो 40-45 ओवर में ये मैच जीता जा सकता है। वर्ल्ड कप से जुड़ी इसी तरह की और अधिक जानकारियों के लिए आप देखते रहें tv30india.com। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।